हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। हर्षित स्कूल जा चुका है और मैंने अपने कमरे का झाड़ू पोछा कर लिया है और डस्टिंग भी कर ली है। तो अब हर्षित नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। आप देख सकते हो कि कितनी मैसी हुई पड़ी है, तो अब मैं इसी को ठीक करने वाली हूँ। तो चलिए वार्डरोब को ठीक करते हैं और साथ में बात भी करते हैं। एक्चुअली ये वार्डरोब जो है, इसका जो लास्ट वाला सेक्शन है वो हर्षित का है और सबसे ज़्यादा मैसी यही सेक्शन रहता है, क्योंकि ना मैं उसको कपड़े निकाल के दे देती हूँ, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, उसे मेरे दिए हुए कपड़े पसंद नहीं आते हैं, तो वो अपनी चॉइस के कपड़े पहनने की उसकी इच्छा रहती है, तो वो कपड़े निकालता है और एज़ यूज़ुअल वो कपड़े फैला लेता है। तो इस तरीके से उसका सेक्शन सबसे ज़्यादा मैसी रहता है, तो सबसे ज़्यादा टाइम मुझे उसी में लगने वाला है। बाकी के सेक्शंस में तो बस मैं थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो और मैं जो हर्षित के कपड़े हैं, वो जो सूट के डब्बे आते हैं जिनमें कपड़े आते हैं नए कपड़े, उन कपड़ों में रखती हूँ। इससे क्या होता है कि जगह कम घिरती है और ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं, वरना कपड़े जो हैं इस इतनी तीन सेक्शन में आना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं इस तरीके से जो बॉक्सेस आते हैं उस कपड़ों के साथ, उसमें रखती हूँ, तो मैं अपना सेक्शन भी ठीक कर लूँगी। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आपको आप सबको मेरे वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो आप प्लीज़ है ना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मैं अपने सारे जो मेरे एंटायर जो भी मेरे कपड़े हैं, मेरी साड़ी वगैरह हैं, उन्हें मैं अच्छे से लगा दूंगी। और सेकंड जो लाइन है उस लाइन को भी मैं ठीक कर लूँगी और इसे साइड के कपड़े जो हैं इन्हें मैं कवर करके रख दूँगी, क्योंकि ये कपड़े जो हैं अभी पहनने में काम में नहीं आते हैं, क्योंकि कभी कभी जो मौसम ठंडा हो जाता है तब ये पहनने के काम आते हैं। तो मैं एक एक्स्ट्रा कपड़े से इसे ढक देती हूँ जिससे कि हर्षित को दिखे नहीं और वो इन कपड़ों को छेड़े नहीं, इसलिए मैं इसे कवर करके रखती हूँ। और इससे ना ये गंदे भी नहीं होते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे काम नहीं आ रहे हैं अभी इस टाइम पर, इसलिए। और विंटर्स के कपड़े मैं जो बेड होता है उसके बॉक्स में रखती हूँ, तो मेरा हो चुका है। देख सकती हूँ कि वार्डरोब जो है मैंने अच्छे से अरेंज कर ली हैं सारे कपड़े। एक्चुअली कपड़े जो हैं अगर हर्षित अपने हाथों से निकालता है तो डेफिनेटली उसे फैलाने ही फैलाने होते हैं। तो अभी मैंने उसको एकदम अरेंज कर दिया है जैसा आप देख सकते हो। अभी हमारे फर्नीचर नहीं लगा है तो मैं इसे एक कर्टेन की हेल्प से बस कवर करके रखती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं वार्डरोब मैंने ठीक कर लिया था और लंच में मैंने राजमा और राइस बनाए थे, तो मैं वो करके और मैं फिर सो गई थी थोड़ी देर दोपहर में। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं दोपहर में थोड़ी देर सो जाती हूँ, तो मैं सो गई थी। अब शाम हो चुकी है और अभी थोड़ी देर में मुझे मंदिर भी जाना है, तो उसके देखती हूँ। मतलब मंदिर हम ऐसे ही कोई रीजन नहीं है, बस कभी कभी मंदिर जाने से अच्छा लगता है, तो बस इसलिए मंदिर जा रहे हैं। तो मतलब सब लोग जाएंगे, घर में पूरी फैमिली जा रही है, तो पेरेंट्स इन लोग वगैरह सब लोग जा रहे हैं, तो मैं भी जा रही हूँ। और जो आपको पीछे बोतल दिखाई दे रही है, ये बोतल एक्चुअली हर्षित की बोतल है स्कूल की, और ये यहाँ पर ही रखी है। वो उसको पता नहीं आजकल क्या हो गया है कि वो पानी है ना इसी बोतल में पिया घर पे आने के बाद में भी। तो और अभी आज मैंने एक जो वीडियो ना अपलोड किया था वो साड़ी कलेक्शन का था, तो मतलब कि जो मैं जयपुर से बापू बाज़ार से कटला से जो साड़ियाँ लेकर आई थी उसका कलेक्शन था। तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, और तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और वैसे ना क्या बोलते हैं, अब नवरात्रि आने ही वाले हैं, मतलब फेस्टिवल्स आने ही वाले हैं, श्राद्ध
स्टार्ट हो जाएंगी अभी थोड़े दिन से, तो हमारे यहाँ पे भी श्राद्ध बनता है ना, तो खाना वगैरह बनता है, आप लोगों के भी बनता ही होगा, श्राद्ध होता होगा, और क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद में नौ देवियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे दिवाली का जो फेस्टिवल होता है वो सबसे 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 ज़्यादा मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, दिवाली का फेस्टिवल, क्योंकि ये एक दिन में ख़त्म नहीं होता, ये तीन चार दिन तक चलता रहता है, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन, फिर भाई दूज, तो मतलब ये चार पाँच दिन तक चलता रहता है। तो मुझे ये वाला फेस्टिवल दिवाली जो होता है मुझे बहुत पसंद है, और सफाई वगैरह करनी पड़ेंगी, और देखते हैं इस बार कलर करवाते हैं या नहीं। वैसे तो रूम की जो वॉल वगैरह है कलर मांग रही हैं, एक्चुअली कलर है ना दो साल से नहीं हुआ है, मैंने आपको बताया ये हमारा घर जो है मार्केट के बीच में पड़ता है, तो कुछ ना कुछ गाड़ियाँ जाती रहती हैं, तो ये भगवान की गाड़ियाँ के गीत चलते हुए ऐसे यूपी में ऐसे ही होता है और यूपी के लोगों को गाने भी इस टाइप के पसंद होते हैं। मतलब मैं तो राजस्थान से हूँ, तो शुरू में मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन अब मैं एडजस्ट हो गई हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, अब मुझे खुद को भी ऐसे गाने अच्छे लगने लगे हैं थोड़े थोड़े। और नवरात्रि में कौन कौन नौ दिन के फास्ट रखता है, मैंने कभी मतलब नौ दिन के फास्ट रखने में ये होता है कि दोनों टाइम खाना नहीं खा पाते हैं, फलाहार करना पड़ता है, तो मैं तो स्टार्टिंग का और लास्ट का जो व्रत होगा मैं वो करूँगी, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन जोत जो होती है नौ दिन की, होम जो होता है, हवन वगैरह जो भी आप लोग बोलते हो, वो मैं पूरे नौ दिन होगा करूँगी, और फिर कन्या पूजन भी होगा। और डांडिया खेलने कौन कौन जाता है, मुझे ना एक्चुअली आगरा में पता ही नहीं है कि ना डांडिया कुछ होता भी है या नहीं, हमारे जो जयपुर में तो बहुत डांडिया होता है, और मैं जयपुर के बारे में ज़्यादा से बोलती हूँ क्योंकि मुझे जयपुर के बारे में ज़्यादा मालूम है आगरा की अपेक्षा, तो मैं ज़्यादातर वहाँ की बातें करने लग जाती हूँ। तो और होता है ना कि हमें जहाँ पे हमें थोड़ा ऐसे लगता है कि हाँ हमारा बचपन बीता है, तो वो जगह अपने आप ही एक याददाश्ती वाली जगह हो जाती है। तो बस, और ना ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जो कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, मतलब मेरे फ्रेंड ज़्यादा क्या, मेरे कोई फ्रेंड्स ही नहीं है एक्चुअली। जैसे आप लोग जानते हो कि मैं जयपुर से हूँ और आगरा में शादी हो गई है, तो आफ्टर मैरिड मेरी जो फ्रेंड्स थी जो थोड़ी बहुत, उनकी भी शादियाँ हो गई हैं, तो वो भी अपनी अपनी फैमिली में सेटल हो गई हैं, अलग अलग सिटीज़ में चली गई हैं, तो जो कनेक्शन होता है वो टूट सा गया है, तो अब मेरे को फ्रेंड्स नहीं है ज़्यादा। तो मैं इसके थ्रू, मतलब यूट्यूब के थ्रू, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं मेरी फ्रेंड्स बने, और जो मेरे जैसे ही है बाय हार्ट, मैं ये वाली बात बोल रही हूँ कि आप, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी फ्रेंड बने। जैसे हम, आप मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी क्या कीजिए, जैसे दो दोस्त बात करते हैं आप इसी तरह से मुझसे बात क्या कीजिए। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की जैसे ही एक नॉर्मल सी एक हाउसवाइफ हूँ, सिंपल सी। और ये यूट्यूब का काम तो मैंने इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं ना बोर होती थी, मेरे से मतलब कि कोई दोस्त नहीं है जैसे मैं आप बता रही हूँ, तो बस इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया, और कोई इसका इंटेंशन नहीं था। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग है ना, मैं कमेंट का कोई मतलब ऐसे नहीं है कि आप लोग कहीं सोचें कि कमेंट करेंगे तो उसके पैसे लगेंगे या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं होता है कमेंट का। कमेंट तो मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ ताकि कनेक्शन जुड़े हमारे बीच में, इसके लिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, दैट्स इट। और आप लोग बताइए आपकी लाइफ में क्या होता है, और ना जैसे मैं अपने बारे में आप लोगों को बताती रहती हूँ, ऐसे आप लोग भी अपने बारे में मुझे बताया कीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। और
मेरे ये जो दाने से निकल आए थे ये अब तक ठीक नहीं हुए हैं, पता नहीं कैसे ठीक होंगे, और सोच रही थी डॉक्टर के जाऊँ, फिर सोच रही थी कि एक क्रीम आती है उसका यूज़ करके देख लूँ एक बार, फिर उसके बाद में डॉक्टर के जाऊँ, क्योंकि मुझे पता नहीं डॉक्टर के जाने के नाम से अजीब सी फीलिंग होने लग जाती है, मतलब जो हार्ट होता है कले यहाँ पे आ जाता है कलेजे में, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी फीलिंग होती है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अभी शाम को मंदिर जाना है, तो चलिए देखते हैं कि क्या पहनना है। तो मैंने ये वाली साड़ी सेलेक्ट की है और ये वाले बैंगल्स इसके साथ में पहन लूँगी, ये मैचिंग हो रहे हैं। तो सिंपल साड़ी है, बिल्कुल ज़्यादा हैवी नहीं है, और मंदिर ही जाना है इसलिए, और मंदिर भी पास में ही है, और थोड़ा सोचना इसलिए पड़ता है क्योंकि जो हमारा घर है वो मार्केट में पड़ता है, इसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, वरना तो जो घर में पहनी हो वही साड़ी पहन के चले जाओ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो और हम थोड़ा ओकेजनल ही निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सही से ही निकलें, जो घर में पहना है वही पहन के निकलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो ये पहन के मैं जा रही हूँ। मैं जस्ट अभी अभी मंदिर से आई हूँ होकर, तो बहुत पसीने आ गए, तो मैं थोड़ा सा फेस वॉश करके आती हूँ और चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। ये सूजी का हलवा और चना चने जो होते हैं काले चने उसका प्रसाद है, तो ये मुझे मंदिर से मिला था, तो अब मैं इसे उठा के रख देती हूँ और फिर उसके बाद में मैं फेस वॉश कराती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है और ना कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे खाना भी बनाना है, तो मैं इसी वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।